हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा रतन जी है नाम सर। रतन? रतन जी। रतन जी, हाँ। कहाँ से आए रतन जी? मैं बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान से आया हूँ। बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान। राजस्थान, हाँ। कितना टाइम हो गया भाई साहब बच्ची वगैरह घोड़े वगैरह रखते हुए? मेरे को सर करीबन 10-1 साल हो गई। 10-1 साल हो गए, हाँ। तो नुकरे ही घोड़े रखते हो कि मारवाड़ी? हाँ, नुकरे ही रखता हूँ सर, बच्चियाँ पालता हूँ। नुकरी? हाँ, नुकरी बच्चियाँ। घर की पालते हो यानी कि? घर की पालते हैं, खरीद लेते हैं छोटी बच्ची। अच्छा अच्छा। और उनको दूध दाना चुगा के बढ़िया तरह से सेवा। अच्छा, यानी कि हेल्थी बना के फिर सेल करते हो। तो कितने टाइम से आ रहे हो इस पुष्कर मेले में? पुष्कर मेले में सर मैं सबसे पहले 19 में आया था। 2019 लॉकडाउन से, यानी कि पहले जब लगा था? हाँ, 2019 में आया था। अच्छा। जब एक घोड़ी लेके आया था चंदा नाम की। चंदा, हाँ। उसके नाम से मेरा यूट्यूब पे चंदा.forum बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान। ओके, चंदा नाम की घोड़ी। कितने में बेची फिर वो चंदा? 1,65,000 रुपए। 65,000। सुरेश जी को बेची थी, राजकोट। राजकोट, हाँ। सब याद रहता है आपने आज तक जितने घोड़ा घोड़ी जितने को भी बेचे सब याद रहता होगा? हाँ, एक मानेश्वर में जो बबलू जी हैं, बड़े घोड़े व्यापारी हैं हरियाणा में, हाँ। उनको भी मैंने बच्ची दी है बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो अभी ये दो नौकरी बच्ची अपने घर की लेके आए हो आप? हाँ। तो अपने घर, इनकी माँ घर पे ही है? नहीं, इनकी माँ नहीं, ये सेल से लिए हमने। अच्छा, सेल से लिए, हाँ। तो क्या उम्र होगी इस बच्ची की? इसकी 11 मंथ की है। 11 मंथ की है, हाँ। और बाप कौन है इसका बच्ची का? इनका बाप तो आया अन्नोन है। इनका बाप तो एक जो खत्म हो गया, एक ये इधर भरतपुर साइड घोड़ा था, नुकरा नुकरा घोड़ा था, अच्छा घोड़ा था, उनकी बच्ची है। ओके, घोड़े का नाम पता नहीं होगा आपको ना? मेरे को घोड़े का नाम पता नहीं है। बाकी क्या रेट कर रहे हो भाई साहब ऑफर इसकी बच्ची की? इसकी ये बड़ी बच्ची की, हाँ। ये बच्ची 5 लाख से देंगे। 5 लाख की, हाँ। ओके, और ये वाली बच्ची भाई साहब? ये बच्ची 4 लाख रुपए की देंगे। जरा भाई साहब इसकी इधर आके गर्दन ऊपर करना। और इस बच्ची की क्या उम्र होगी भाई साहब? ये बच्ची 9 महीने की है सर। 9 महीने की है, आगे सर। ये बच्ची 9 महीने की है। 9 महीने की है ना। इसका भी बाप का नहीं पता है? इसका बाप पंजाब का है। पंजाब का है, हाँ। राजू है एक मेरा मित्र, हाँ, मुक्सर डाबाड़ी, हाँ। उनका घोड़े की बच्ची है, उनके घोड़े की बच्ची, हाँ। है। तो गर्मी पड़ रही है भाई साहब मेले में? गर्मी बहुत पड़ रही है, और मेला तो यदि आपकी कमेटी ने यहाँ लगवा दिया, हाँ, तो हमको कोई बात नहीं है। बड़ी खुशी है कि धरती पे मेला खाऊ भी लग जाए, धरती माता पे कोई मिट्टी एक जैसी है, मिट्टी एक जैसी है, मगर जो व्यवस्था है दुकानों की, जो वो इधर नहीं है। दुकानों की व्यवस्था, दुकानों की व्यवस्था इधर नहीं है। तो प्रशासन से, आपकी कमेटी से हमारा यही निवेदन है कि भाई मेला यहाँ है तो दुकानें भी सारी, यानी मेले दुकानें किस तरीके की? खाने पीने की है? खाने पीने की, सामान खरीदने की, घोड़ा घोड़ियों की, चाय पानी पीने की, हर वो। वैसे अभी क्या है ना कि थोड़ा लग रही है मेला, मैन तो मान के चलो एक तरीके से 10 तारीख से चालू होगा, तो ये जो आगे की जो जमीन है ना इस पर सारों में दुकान ही दुकानें लगने वाली है। तो ये मान के चलो 2 दिन की और परेशानी होगी, 2 दिन के बाद आपको सब व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि कमेटी ने मेला लगवा दिया वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, मेला लग गया बहुत अच्छी, हम भी, और प्रशासन ने भी बहुत अच्छी तैयारी करी। ये देखो पूरे में बिजली वगैरह का काम ये 4-5 दिन के अंदर ही हुआ है, तो ये सबके सहयोग से ही मेला लगा है। क्या है भाई साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर? 8500299107। ओके, ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक। बाकी नाम क्या बताया आपने? रतन जी। रतन जी और बांदीकुई से आए हैं ना? ओके।